देखिए मोहन, ठीक है तेरा ओके है। पता है इसमें एक चीज हो रहा है मोहन, जो इसमें हाइट एडजस्टेबल है ना, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। मैं तो हाइट अप करके चलाता हूँ भाई, जब हाँ भी वो चलाऊँ तो तो एसयूवी में थोड़ी फील आती है फिर उस तरीके से। हाँ अपनी WRV भी मैंने कभी नीचे नीचे करके ना चलाई। सेम, मुझे भी, मुझे अगर इसमें ब्रेजा में ना मेरे पास VXI में, तो मुझे वो चीज ये फील, मुझे दिखाई ना दिया जब मैं आया कोई भाई बात उस नहीं तरफ से, मुझे दिख गया, ये ऐसा मैंने लग कि रहा है यार मुझे ऐसा हो एडवेंचर कर कहीं रहे हैं। मैं कहीं कुछ चला जाऊं, या वजह से मैं अपना वहीं से आ गया। यहाँ से क्रॉस ओवर कर सकते हैं, ये मुश्किल होएगा क्योंकि अपोजिट है दोनों ही। यहाँ घूमने वाले ज्यादा हैं। हाँ, और ये इन्होंने नया बनाया ना अभी, साइज तो इसको मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा बड़ा साइज है, हाँ ठीक है, पर हमने इंजन में। देखा हाँ है ना, तो जब तक तो ठीक है, जब बैठ रहे, अब जैसे कल चला कर लाया हूँ मैं, तो एक अलग ही पता चल रहा है कि हाँ भाई लेंथ में फर्क है बहुत। लेकिन अगर जैसे मान लो चला रहे हैं तो वैसा लग रहा है कि हाँ भाई मारुति कार है, 1500 CC में इंजन है और इसकी ब्रेक हॉर्स पावर है शायद 115, 112। ये इतना ध्यान देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये चीज़ है ना, जब प्रैक्टिकल हो जाना, आदमी जिन्हें शौक हो कारों का वो सब बिल्कुल नोटिस करें इन चीज़ों पर। जैसे मैं अपनी कार जब 700 लेके आया तो मुझे उसमें नोटिस हुआ कि उससे जो नीचे वाले मॉडल है ना उनमें 180 ब्रेक हॉर्स पावर वाले सिचुएशन नहीं, 153 है। 700 के अच्छा बेस मॉडल में ना 153 हॉर्स पावर का वो है, तो पिकअप और परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है अगर कोई बहुत फील करे कार को चलाने के लिए, तो इसलिए मैंने उस पर चॉइस गई। हमेशा जो महिंद्रा अब लॉन्च कर रही है ना, जितनी भी कार है, थार या ये जो स्कॉर्पियो या 700, इन्होंने क्या करा है, इनके नीचे के कुछ मॉडलों में ना इंजन पावर भी कम रखी है। ऐसा पहले मर्सिडीज और BMW ये सब करी रहे ऐसे। उनके AMG आती है जो उसकी हॉर्स पावर सबसे ज़्यादा है, और जो वो नॉर्मल AMG तो मॉडल, उनकी स्पोर्ट सीरीज है एकदम, हाँ वो तो रेसिंग कार आ जाती है प्राइस उसमें। में बहुत फ़र्क है, दिल्ली पुलिस का भी टूटू का पैड है। अब इससे थोड़ा सा ना ऐसा और पता चल जाएगा कि भाई इसकी जो टर्निंग रेडियस है वो कितना कैसे है। बढ़िया है यार, मेरी नहीं घूम पाती इतनी देर में। इसका कहीं ना कहीं ना साइज है ना, विद और जो लेंथ है वो इतनी ओवर नहीं है दिल्ली में चलाने के लिए। फिर अगर एक हाँ उसका भी फर्क है, आप XUV चला रहे हो अभी, उससे छोटी है तो आप इतनी हाँ दिक्कत ना, दिक्कत और नहीं आज ना, भी जो छोटी चला रहेगा भाई ज्यादा बड़ी लगेगी। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ जो इसे चलाएगा ना, या सेल्टोस या क्रेटा, और उसे अगर 700 दे दी जा तो उसे ह्यूज लगेगी कार, पक्की बात है। और उसे जैसे कहीं घूमने में, निकलने में, टर्न होने में भी उसे दिक्कत आएगी। सस्पेंशन भी अच्छे हैं तो कंफर्ट है कार, सिटिंग भी अच्छी है, लेकिन अगर कोई थोड़ा मोटा आदमी होगा तो वो इससे बाहर निकल जाएगा, मतलब बाहर से मतलब वैसे निकलेगा कि थोड़ा सा ओवर होएगा उससे, फिर वो बार बार ऐसे हिलेगा डुलेगा। अगर सिटिंग में बात जेन्युइन कर रहा हूँ मैं, और हम और तेरे जैसे लोग ना, फिर वो तो एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो है ना ये बकेट हाँ जो बनी जो हुई है साइड के, वो स्लिम टाइप के बंदे के लिए, जैसे कि मैं भी थोड़ा नॉर्मल में आता हूँ। और जहाँ तक मुझे इसकी माइलेज का लग रहा है, माइलेज भी कहीं ना कहीं दिल्ली में, अगर सिटी में चलेगी ना ये, तो समवेयर 15 या 14 मतलब ऐसे ही देगी, पक्की बात है। 16 दे देगी ज़्यादा ज़्यादा अगर आप थोड़े हाँ इतना ही बता कम रहे हैं ट्रैफिक में रश वैसे। करोगे। जेनवन बता रहा हूँ, देखो मुझे नहीं पता उस बारे में, लेकिन मैं इसे इंजन से चलाने से ही मुझे आइडिया लग रहा है कि इतने माइलेज दे देगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मारुति की कार में पहले भी जैसे पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ 1500 CC में, तो वही मुझे सेम लग रहा है। उससे तो इंक्रीज है, 2 से 3 किलोमीटर जरूर एक्स्ट्रा देगी ब्रेजर से। पर हाँ, अगर जैसे WRV हम और डीजल में चला रहे हैं ना जब इसे उनमें तो चलाएंगे, बहुत फर्क है, हाँ डब्ल्यू तब, आर भी 22-23 दे रही है हमारी, हाँ तब हमें, 22 तो है ही उसका तब हमें लगा कि फिक्स। हमने थोड़ा सा खर्चा कर दिया। हाँ, नई कार की एक बात है, आदमी पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा, खासकर पड़ोसी पड़ोसी।
फिर थोड़े से ये जो आई है नई गाड़ी, ये बिल्कुल पहली गाड़ी आई है जैसा एक्सयूवी आई आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल सही करी, ये भी एकदम हमारे ब्रीजा है कि लंबे टाइम से चल रही है, चल रही है बिल्कुल बिल्कुल कि हाँ बस ये है कि नहीं लिया है यू आई वैसा नहीं है तो अलग ही फीलिंग। हाँ ये बहुत बड़ा पॉइंट है, कोई भी कार जब नई लॉन्च हो गए आस पास किसी के पास ना होती ना और तब उसका क्रेज एक अलग ही रह रहा है, तो हमारे आस पास कहीं है नहीं अभी किसी के पास ही। जितने कूड़े पहुंच गए जट उतने बंदे पहुंच देने कट। अच्छा मुझे जैसे 700 चलाने की आदत पड़ रही है ना ऐसे लोकल में ही, तो मुझे उतनी वो न लग रही है, मुझे लग रहा हो जाएगा सब आराम से। मोहन इसमें तो लगाने में से दिक्कत आएगी, WRV से ज्यादा लेते हैं इसके भाई। हाँ पता है क्यों कह दी मैंने, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, दो चार दिन अपना रुक के हाँ बिल्कुल इसे फिर खत्म करवाऊंगा, हटवा दो बिल्कुल ही मोड़ पहले के। यही कि हटा आदत तोड़ दो ये अब मैंने की बिल्कुल ही खत्म ना ना, क्योंकि तो फिर अपना आराम से बिल्कुल फ्लैट ले। हाँ हाँ उनने भी कोई उसमें नुकसान ना तो मैं भी कोई हूँ ना, मोड़ के मैं ऐसा फेस करके लगाऊंगा तभी, ऐसे इसकी बाहर से वीडियो बना लिया। पर हाँ एक बात जरूर है मारुति की कार की कि ये ना क्या बोलते हैं आपका मेंटेनेंस बहुत कम लेती है, अगर इन्होंने कोई आदमी सही करके चलाया ना यूज़ करें तो इनमें कोई ऐसा झंझट ना कि रोज़ रोज़ आप खड़े हो कभी कुछ ख़राब है कुछ कमी है, इसमें मैं ऐसा खड़ी कर देंगे बिल्कुल सीधी सीधी यूँ है ना ऐसी खड़ी हो पाएगी, अंदर तो आएगी ना। एसी में फ्रंट ही चला रखा है लेकिन इसमें क्यों नहीं आ रही अभी, क्यों उस फॉन्ट वो चल रहा है ना ऑटो पर कर दिया। ये आपका टेम्परेचर अप डाउन है, ये ब्लो है ये आगे ना, वो पहले उसमें हो रखा फ्रंट फ्रंट मिरर हटाने को। ये बड़े मतलब स्टाइलिश और बहुत स्मूथ लग रहे हैं, और ऑटो एसी है सिग्मा मॉडल से, ये बहुत अच्छा 12 वोल्टेज है, ये अभी लगवाना पड़ेगा चार्जिंग पॉइंट वगैरह। ये स्पेस भी अच्छा है, इसमें मोबाइल वगैरह पर्स वगैरह रख सकते हो आप इसमें, नेक्स्ट में तुम्हारा अपना आगे पीछे होगा। अच्छा अरे वाह, जबकि मेरे थोड़ा नया है टाइट है साला उंगली में लग गया अभी यूज ना हुआ ना। और ये ऊपर को कैसे ओपन होएगा, ऊपर पीछे करेगा अपना, स्पेस भी ठीक है नॉर्मल से इसमें, बाकी बोतल इसमें अगर खड़ी कर देंगे ना कोई कोल्ड ड्रिंक की 1 लीटर की या 700-800 ml की वो नहीं आ पाएगी। ये अच्छे हैं ग्लास कप होल्डर, ये मस्त है, ये की के लिए स्पेशल दे रखा है, लेकिन आप इस वाले ना इसे हल्का कर लो, इसे पता वजन क्या इतना चाहिए में वजन ना कंपनी ने दिया, दिया है अभी लग रहा है अभी कल जाना है ना कम करवाना तब जब भी ले आऊंगा बढ़िया से फीलिंग। बहुत छोटा सा जाए अपना सेपरेट ले लिया, पता क्यों क्योंकि इसका एक वो कवर भी है जो इतना ही इसमें जो आपकी गाड़ी का एक हाँ वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ वो मैं ला दूंगा, मैं मॉडल डाउन से ला दूंगा वो मिल जाए उधर मेरे एक दोस्त है, तो ये ना ऐसे इसमें ऐसा आ जाया करेगी क्योंकि इसमें पुश बटन तो है ही तो इसमें जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ से कर देंगे ऑफ। अच्छा इसमें वो दिखाता है स्टीयरिंग पोजीशन, नहीं वो वो नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, वो इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर बिल्कुल नए ड्राइवर हो उनको जरूरत होती है खड़ी कर देते हैं, इसलिए मैं 360 ना लगवाया, मैंने ऑप्शन तो आ रहे हैं अब जैसे बाहर से आप काम करो 360 डिग्री कैमरा उनकी इतनी जरूरत है नहीं। अब ऑफ करते हैं, चाबी लेते हैं चलते हैं बाहर। ये 70 डिग्री ओपन हो रहा है, 90 यहाँ तक आएगा, लगभग 70 और 65 ओपन हो रहा है। लकी इधर से बनी हो ऐसे ही, सिग्मा मॉडल है ये, अलग से लगवाई मैंने ये जो ये ग्रिल तूने अलग लगवाई है, नीचे वाली ब्लैक है जो ये। हाँ अच्छा ये वाली, हाँ ये ये एसएसरीज में लगवाई है एसएसरीज में। और क्या लगाई है ये क्रोम है जो
ब्लैक क्रोम भाई, पियानो ब्लैक फ्रीज, ये इसमें आती नहीं है सिग्मा मॉडल में, ये इन्होंने एक्सेसरीज में लगवाई है, ये एक्सेसरीज है। और क्या एक्सेसरीज में? ये वाला पियानो जो, अच्छा ये साइड नीचे दोनों, और ये दोनों, ये पियानो ब्लैक फिनिश में है, ये मतलब कि इसमें नहीं आती। और हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट कि इसमें अलॉय व्हील ये लगवाया। क्या कॉस्ट थी मोहन इसकी कंपनी? 48 पड़ी है, और 48,000 मतलब, हाँ, हाँ सब चीज़ मिला के, ये जो कैप वैप कवर वगैरह सब लगा के, टैक्स वैक्स जो ये है ना, इनके चार्ज अलग ले, ये जो डक्टर, अच्छा ठीक है, अलॉय व्हील के कवर अलग है। अब इधर आ एक बार फोकस करना, देख भाई व्हील के अलग चार्ज है और इस छोटी सी कैप के अलग चार्ज है। हाँ, इसके अलग इंक्लूड नहीं है ना। और ये टोटल आप ये कह रहे हो कि आपके फोर व्हील, फोर है मतलब, हाँ 47 कुछ के पड़े, मतलब हाँ, तो देखो भाई कंपनी क्या दिमाग लगाती है, अलॉय व्हील कहेगी भाई अलॉय व्हील आपको 47,000 के ऑल GST इंक्लूडेड पड़ रहे हैं, लेकिन ये कैप 4,500 के दिए पर दिया होगा, पर तो इसके अलग लेती है। तो कंपनी भैया छोटी छोटी बातों को वो लगाती है। और देखो वो जो फोन पे बात कर रहे हो ना, इसमें आवाज आ रही होगी, है ना? कोई बात नहीं यार, दो पांच उसको ये पता भी नहीं होगा, उसमें कोई बात करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा वो, क्योंकि उसको ट्रांसमीटर लगा हुआ है। तो जब इसको ठीक है भाई अनलॉक कर रहे हैं, हाँ मतलब अनलॉक कर रहे हैं ना, कर दो पांच मिनट रुको। अच्छा वो ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिक? ठीक है, मैं अभी थोड़ा घर के बाहर था, हो गई ऑफ बस घर, ये हम बना नहीं रहे पीछे की, क्यों पीछे पीछे की, तो चल रही है वो भाई ना फोन से भी, ट्रांसमीटर कह रहा हूं। ऑफ है, कोई बात नहीं, मेरा तो ऑन है ना, आ रही है ना भाई, पाँच मिनट रुको मैं भी। तो जैसे ये लॉक करेंगे, ये बिल्कुल हेलोजन है, और लेकिन बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं, और इसके साइड में देखे तो क्रोम फिनिश है, ग्लॉसी ग्लॉसी पियानो, सॉरी पियानो फिनिश है साइड से। ये भी एक हमने बहुत गाड़ी देखी, पर इस पर ध्यान नहीं गया हमारा कभी, ये चीज नंबर तो उसने ले लिया होगा बाबूजी, ये तो रजिस्टर्ड होके निकली है अभी। हाँ। आया ना शायद, कल आ जाएगा मैसेज वगैरह, नंबर तो जब बिना कार के नंबर आती ना, वो मैंने बोली इसने, फिर इसकी चॉइस नहीं हो नंबर के लिए, मैंने इसे बोला है ये विपुल मोटर्स। इसमें एक चीज और, अगर आप इसे लॉक अनलॉक करते हो तो मिरर फोल्डेबल नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट सेंसर और ये करना पड़ेगा आपको इग्निशन ऑन, तब जाके वो मिरर फोल्ड और अनफोल्ड होगा। अब यहाँ से आप लॉक को कर सकते हो, यहाँ हमने इग्निशन बंद किया, अब देखते हैं लॉक हो गया, अनलॉक किया लेकिन मिरर ओपन नहीं हुआ, नहीं तो डिस्काउंट। हेलो भैया कैसे आप? हाँ बस अच्छी कार है, एकदम फर्स्ट क्लास, पार्टी करेंगे भी, पार्टी करेंगे भी, बताओ आप। नहीं नहीं ये तो मॉडर्न डेटा लेके आया है, मेरे को मारुति कार उतनी पसंद नहीं आती, मतलब वैसे ठीक है माइलेज या सिटी में चलाने के लिए, और या छोटे उसमें सेगमेंट में चल जाओ जैसे स्विफ्ट या बेलिनो, वो तो मुझे पसंद है, मैं ये मैनुअल है। हाँ लो ये मैनुअल है, हाँ ये वो ही तो मारुति वालों की, हाँ वही है अमित वाले जैसे, इसमें इग्निशन ऑन ऑफ करो, हाँ कंफर्टेबल है बैठने में, हाँ सीट हाइट एडजस्टेबल है, ब्रेजा में नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, ये बढ़िया है। नहीं नहीं नॉर्मल वही हाइट एडजस्टेबल मैनुअल, हाँ फॉर्च्यूनर में हाइड्रोलिक है, पीछे से भी इसकी ग्रैंड विटारा स्मार्ट हाइब्रिड, ये कमाल की चीज़ है इसमें, ये देखो इसको बैक लैंप, और पीछे इसमें कोई कैमरा नहीं है, बस आपके सेंसर मिल जाएंगे ब्लैक, वो भी दो सेंसर है पार्किंग सेंसर बस, और तो ब्लैक में से। इसमें एक और प्यारी पियानो ब्लैक फिनिश है इसके जो लोगों के ऊपर, और ये क्रोम इसने लगवाया है क्या एसेसरीज में? नहीं ये कंपनी से ही है, ठीक है हाँ कार अच्छी है मारुति, और शार्क फिन एंटीना यूसुफ ये बहुत अच्छा है बेस मॉडल से, वरना मारुति का ऐसे ऐसे खड़े होते हैं एंटीना के नाम पे, तो काफ़ी कमाल की बात थी, ये सिग्मा बेस वेरिएंट ऑफ मारुति ग्रैंड विटारा नेक्सा।
लुक वाइज अच्छे है, कलर वाइट जच रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो यही इसका रिव्यू था। थोड़ा लकी पीछे जाएगा, ना ना कोई बात नहीं। मॉन्डेडा राहुल भाई कैसे हो आप? हेलो, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? हाँ, ये लेके आए कल, थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं नेक्सा को। तो भाई ये मॉन्डेडा है, इनका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, मतलब कि नेक्सा के साथ बता रहे टाइम पे डिलीवरी मिल गई है और कार बहुत अच्छी लगी उनको। मैंने भी ड्राइव करी, मेरे को पर्सनली बढ़िया लगी जिस प्राइस पॉइंट पे कार आ रही है और सिटी में आप यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी कार है। थैंक यू।